हाँ भाई, आज अपन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे। कार्बेनायन का पुनर्विन्यास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई भी अपन टॉपिक पढ़े रहे, उसमें कार्बेनायन के रीअरेंजमेंट की हर जगह जरूरत पड़ती रहती है। तो आज अपने एक पॉइंट जो लिया है बीच में, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनायन का पुनर्विन्यास। कार्बेनायन के पुनर्विन्यास में अपन ये कह रहे हैं कि भी किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो सबसे पहले वो कम स्थायी से हमेशा अधिक स्थायी कार्बेनायन में परिवर्तन होता है। और दूसरा मेन बात ये है इसमें रीअरेंजमेंट के अंदर, अगला बना हुआ कार्बेनायन जो है वो पहले वाले कार्बेनायन से हमेशा स्टेबल होना चाहिए। सबसे मेन बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि रीअरेंजमेंट के द्वारा जो अगला कार्बोकेटाइन बनेगा वो पहले वाले कार्बोकेटाइन से हमेशा अधिक स्थायी होना चाहिए। अगला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होना चाहिए। कार्बेनायन के पुनर्विन्यास के अंदर, रीअरेंजमेंट के अंदर, 1,2-हाइड्राइड शिफ्टिंग के द्वारा कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट हो सकता है, 1,2-फिनाइल शिफ्टिंग के द्वारा हो सकता है, 1,2-मिथाइल शिफ्टिंग के द्वारा हो सकता है, अर्थात 1,2-हाइड्राइड, 1,2-मिथाइल, 1,2-फिनाइल आदि के शिफ्टिंग के द्वारा या माइग्रेशन के द्वारा कार्बेनायन का रीअरेंजमेंट होगा। फिर से कह रहा हूं, किसी भी अभिक्रिया के अंदर जहां इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में कार्बेनायन बनता है, तो मुख्य उत्पाद बनने से पहले हमेशा कम स्टेबल से, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और उसी से उसका मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अपन अभी देख रहे हैं कि जहां इंटरमीडिएट कहीं कार्बोकेटाइन बने तो उसका रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हो। जैसे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन माना कि किसी रिएक्शन में बना हुआ है, तो अपन इसका देखें रीअरेंजमेंट कैसे हुआ। तो यहां पर 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये देखिए यहां से हाइड्राइड जो है 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, जिससे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। यहां पे 1,2-हाइड्राइड जो शिफ्टिंग होती है, जो माइग्रेशन होता है 1,2-हाइड्राइड का, वो संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। अर्थात कहने का अर्थ है, यहां से ये जैसे देखिए इस बॉन्ड का जो ये 1,2-हाइड्राइड है, यहां का हाइड्रोजन जो है यहां शिफ्ट हो रहा है, तो इस बॉन्ड का जैसे जैसे ब्रेक होना होगा उसी समय यहां पर इस बॉन्ड का बनना होगा। तो जैसे जैसे इस बॉन्ड का ब्रेक होना होगा, यहां बनना होगा, तो पहले यहां पर इस कार्बन पे पॉजिटिव कंप्लीटली था, जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा तो यहां आंशिक पॉजिटिव, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा तो आंशिक यहां पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहां से एच जो है वो एच प्लस के रूप में शिफ्ट नहीं होता है, यहां से एच माइनस के रूप में शिफ्ट होता है, तभी अपन क्या कहते हैं इसको 1,2-हाइड्राइड। तो एच माइनस के रूप में यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे एच माइनस के रूप में यहां से यहां शिफ्ट होगा तो यहां आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी आंशिक पॉजिटिव था तो आंशिक पॉजिटिव, क्योंकि कंप्लीटली ये अभी इधर भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है, कंप्लीटली बॉन्ड इधर भी नहीं बना हुआ, आंशिक बॉन्ड इधर बना हुआ है और ये बना, ये इंटरमीडिएट बनी संक्रमण अवस्था। और जैसे ये एच माइनस यहां कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया तो ये अगली स्पीशीज बन गई, अर्थात 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, जो मोर स्टेबल है, अर्थात इसका इसके अंदर यहां पर रीअरेंजमेंट हो गया। इसी प्रकार अगला देखें, जैसे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पे इस पास, और एक और बात बता दूं, शिफ्टिंग हमेशा 1,2 होगी। 1,2 का अर्थ है निकटवर्ती कार्बन से ही 1,2-हाइड्राइड, 1,2-मिथाइल, 1,2-फिनाइल की शिफ्टिंग होगी। जैसे इस कार्बन पर यहां पर ये CH3 ग्रुप है, तो इस CH3 ग्रुप का यहां पर शिफ्टिंग होगी, इसका यहां पर माइग्रेशन होगा, तो वो इसी प्रकार से इस बॉन्ड का यहां पर ब्रेक होना होगा और इसका यहां से बॉन्ड, जैसे ये CH3 है, इस CH3 का यहां से यहां शिफ्टिंग होगी, तो इस बॉन्ड का ब्रेक होना होगा, इस बॉन्ड का यहां बनना होगा, जैसे CH3 यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहां आ गया तो यहां पर ये प्लस आ गया। ठीक है, तो जैसे CH3 यहां से यहां शिफ्ट हुआ और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से कौन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, समझ रहे हो, तो 1,2-मिथाइल शिफ्ट हुआ, और 1,2-मिथाइल शिफ्ट के द्वारा ये जैसे 1,2 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला देखें अपने, यहां पर जैसे ये जैसे लिया आपने, ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहां शिफ्ट करवाया है 1,2-हाइड्राइड, अर्थात एच को यहां से यहां शिफ्ट करवाया है, एच को यहां से यहां शिफ्ट कराया, तो अगला कार्बोकेटाइन बना ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ध्यान है बात को,
ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन इस कार्बोकेटाइन से ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जैसे कि आपने 11th में पढ़ी होगी, अतिशय युग्मन के द्वारा देख सकते हो, यहां 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल यहां 5 हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, अतिशय युग्मन संरचना बनेगी। और यहां पर देखा जाए 2 और ये कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके अंदर 3 हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पे बनेगी 5 हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, यहां बनेगी 3 हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है अगला कार्बोकेटाइन जो है वो इसकी तुलना में कम स्थाई है, समझ बात को, तो इसलिए अगला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, इसलिए क्या कह रहे हैं इज नॉट पॉसिबल, अर्थात रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इस कार्बोकेटाइन का। इसके अंदर यहां पे फिर कह दूं ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये जो रीअरेंजमेंट है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रीअरेंजमेंट का मेन कंसेप्ट ये है कि पुनर्विन्यास के द्वारा जो अगला कार्बोकेटाइन बने वो पहले वाले कार्बोकेटाइन से अधिक स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अपने इससे पहले 2 एग्जांपल किए थे, उनमें अगला बना कार्बोकेटाइन पहले वाले कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी था, ठीक है। अब इसे रेट ऑफ माइग्रेशन की बात करें, भाई शिफ्टिंग की बात करें तो पहले किसको करें, मिथाइल इथाइल फिनाइल के अंदर, तो रेट ऑफ माइग्रेशन की जो है शिफ्टिंग की रेट है सबसे ज्यादा होती है हाइड्राइड, फिर आता है फिनाइल और फिर आता है एल्काइल, अर्थात एल्किल से ज्यादा माइग्रेशन की रेट फिनाइल ग्रुप में होगी, फिनाइल से ज्यादा रेट होगी वो होगी हाइड्राइड के अंदर, ठीक है। और एल्किल ग्रुप में जितना लार्ज और बल्कि एल्किल ग्रुप होगा उसके माइग्रेशन की दर उतनी ही अधिक होगी, फिर से कह रहा हूं लार्ज और बल्कि एल्किल ग्रुप होगा उसकी माइग्रेशन की रेट ज्यादा होगी, अर्थात मिथाइल से ज्यादा इथाइल की होगी, इथाइल से ज्यादा प्रोपाइल की होगी, प्रोपाइल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल होगी, क्योंकि ये इसकी तुलना में ये बल्कि ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो एल्किल ग्रुप और इन सभी एल्किल ग्रुपों की माइग्रेशन, इनकी तुलना में फिनाइल की माइग्रेशन की रेट ज्यादा होगी और फिनाइल से ज्यादा हाइड्राइड की होगी, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पहले माइग्रेशन उसी का करवाना है जिसका माइग्रेशन की रेट ज्यादा हो, धन्यवाद को फिर से कर रहा हूं मैं, माइग्रेशन पहले उसका करवाना है जिसके माइग्रेशन की रेट ज्यादा है। जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, जैसे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर मिथाइल है और इधर इथाइल है, अब किसको शिफ्ट कराएं, मिथाइल को कराएं तो भी 1 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, इथाइल को कराएं तो भी 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन आपको किसको करवाना है, इथाइल को, क्यों, मिथाइल से इथाइल के माइग्रेशन की रेट ज्यादा है, जैसे कि अपने ऊपर देख रहा, जैसे जैसे लार्ज और बल्कि एल्किल ग्रुप होगा उसकी माइग्रेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें बात को, लार्ज बल्कि एल्किल ग्रुप माइग्रेशन रेट ज्यादा होने के कारण यहां पर मिथाइल से पहले माइग्रेशन किसका हुआ, इथाइल का, इसलिए ये बना कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन पहले वाले से ज्यादा अधिक स्थाई है, इसलिए इसका रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब अगला बना कार्बोकेटाइन पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है, जैसे इसमें आपने देखा था ये जो अगला कार्बोकेटाइन बना था इससे कम स्टेबल हो गया, इसलिए ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, ये जो आपने लिखा ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं ऊपर वाला, ठीक है। हाँ, दूसरी अपन बात देखें आगे, जैसे कि फेनिल के माइग्रेशन के अंदर ध्यान दें, यदि जिस फेनिल के अंदर, जैसे एल्किल के अंदर कहते हैं लार्ज और बल्कि एल्किल ग्रुप के माइग्रेशन की रेट ज्यादा है, फेनिल के अंदर जिस फेनिल वले पर जितना प्रबल संकेंद्रकारी समूह होगा उसकी माइग्रेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना प्रबल विसंकेंद्रकारी समूह होगा उसकी रेट उतनी ही कम होगी। संकेंद्रकारी विसंकेंद्रकारी समूह जैसे आपने 11th में पढ़े होंगे, जैसे NO2 जो है ये -R या -M प्रभाव वाला समूह है, ये विसंकेंद्रकारी है, ये भी संकेंद्रकारी है, प्लस H के कारण OCH3 है, ये प्लस R या प्लस M के कारण सक्रियकारी समूह हो गया, CH3 की तुलना में OCH3 समूह ज्यादा सक्रियकारी है ड्यू टू प्लस R या प्लस M, इसलिए अपन कहेंगे जितना प्रबल सक्रियकारी समूह होगा उसकी माइग्रेशन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। ये यहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं, ये ग्रुप को बता रहा है, ये ऊपर जो बता रहा है ये ग्रुप बता रहा है, अर्थात ये जो ग्रुप है, ये पूरा जो ग्रुप है इसकी तुलना में इसकी माइग्रेशन की रेट ज्यादा होगी, इसकी तुलना में इसकी माइग्रेशन की रेट ज्यादा होगी, और इसकी तुलना में इसके माइग्रेशन की रेट ज्यादा होगी। जैसे ये फिनाइल है, ये विसंकेंद्रकारी ग्रुप आ गया तो इसकी रेट कम होगी, और जैसे जैसे जितना प्रबल संकेंद्रकारी समूह होता जाएगा उसके फिनाइल की रेट उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। जैसे इसके अंदर अपन ने एक एग्जाम्पल देखें, जैसे ये एग्जाम्पल लिया आपने, यहां पर CH2+ ये फिनाइल लगाई मैंने,
इस तीनों ये सिंपल फिनाइल है, इस फिनाइल पर OCH3 प्लस R प्रभाव वाला अर्थात सक्रियकारी समूह है, यहाँ NO2 माइनस R वाला ये भी सक्रियकारी समूह है। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन की रेट ज्यादा जिसकी होगी उसको को ही अपन शिफ्टिंग कराएंगे, माइग्रेशन कराएंगे। तो फिनाइल से ज्यादा उस फिनाइल की पहले माइग्रेशन होगा जिस पर प्रबल सक्रियकारी है, अर्थात इस ग्रुप की माइग्रेशन की रेट सबसे ज्यादा है। इसका अर्थ है ये ग्रुप यहां से यहां माइग्रेट होगा। ये देखिए दिख रहे हैं अपन, ये जो ग्रुप है यहां से इसमें 1-2 शिफ्टिंग, यहां भाई फिर से बता दूंगा माइग्रेशन या शिफ्टिंग हमेशा 1-2 होगी। 1-2 का अर्थ है निकटवर्ती कार्बन से, तो ये जो ग्रुप है ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो यहां ये देखिए यहां जैसे ये शिफ्ट हुआ ये आ गया यहां पर, ठीक है यहां पर। और ये तो अपन जानते हैं अगला जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है ये जो है वो मोर स्टेबल है, ठीक है इस ठीक है इससे कार्बोकेटाइन से ये ज्यादा स्टेबल है। तो फिर से ध्यान रखना रीअरेंजमेंट उसका नहीं करवाना है जिसके करवाने से भाई सबसे अधिक कार्बोकेटाइन बनाए, रीअरेंजमेंट उसका कराना है जिसके माइग्रेशन रीअरेंजमेंट में शिफ्टिंग उसको करानी है जिसके शिफ्टिंग से माइग्रेशन से ठीक है ना अगला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बने और जिसके माइग्रेशन की रेट ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। अब वलय विस्तार के द्वारा भी कार्ब धनायन का पुनर्विन्यास होता है, ठीक है रीअरेंजमेंट जो है वो रिंग एक्सपेंशन के द्वारा होता है। 3-4-5 सदस्य की वलय से जुड़े कार्बन पर यदि पॉजिटिव हो तो वलय विस्तार के द्वारा क्रमशः रिंग किसमें हो जाएगी, 3-4 में हो जाएगी, 4-5 में हो जाएगी, 5-6 मेंबर की रिंग, 6-7 नहीं होती है क्योंकि 7 मेंबर की रिंग कम स्टेबल हो जाती है। तो मैं फिर से कह रहा हूं रिंग एक्सपेंशन के द्वारा अर्थात वलय विस्तार के द्वारा भी कार्बन धनायन का पुनर्विन्यास होता है, ठीक है ना। जैसे अपने एग्जाम्पल लिया, मैं कह रहा हूं 3-4 ये जैसे 4 मेंबर की रिंग है, इस 4 मेंबर की रिंग से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इस पर यहां क्या है प्लस, जैसे ये कितने मेंबर की रिंग है 5 मेंबर की रिंग, इनसे जुड़ा ये कार्बन इस पर क्या है प्लस, अर्थात इन दोनों का क्या होगा रिंग एक्सपेंशन होगा, वलय विस्तार होगा, वलय विस्तार के द्वारा ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अर्थात क्योंकि आप जानते हो 3 मेंबर से 4 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 4-5 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 5-6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। यहां रिंग की स्टेबिलिटी के लिए वलय की स्थायित्व के लिए कार्बन धनायन का रिंग एक्सपेंशन के द्वारा रीअरेंजमेंट होता है। तो कैसे हुआ जरा देखिए, जैसे ये 4 मेंबर की रिंग से जुड़े कार्बन पर ये पॉजिटिव है तो ये जो रिंग है यहां पर ये रिंग जो है यहां पे ध्यान रखना इस बॉन्ड का जैसे जैसे यहां ब्रेक होना होगा उसी समय यहां पर इस बॉन्ड का बनना होगा। जैसे देखिए यहां दिखाया ना, इस बॉन्ड का जैसे जैसे ये ब्रेक होगा उसी समय यहां पर इस बॉन्ड का यहां पर बनना होगा। जैसे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड यहां बनने लगेगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव, ठीक है ना। ये रिंग है ना यहाँ पे ये रिंग यहां से यहां शिफ्ट हुई 1-2, जैसे पहले हाइड्राइड 1-2-मिथाइल 1-2-फिनाइल शिफ्ट हो रहे थे ना उसी तरीके से यहां 1-2 रिंग शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया डेल पॉजिटिव, यहां पर भी आ गया डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। और जैसे ये कंप्लीटली शिफ्ट हो गया और ये 4 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग हुई, इसी प्रकार से यहां पर देखें 5 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग से जुड़े कार्बन पर ये पॉजिटिव है तो यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन होगा, इस बॉन्ड का यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और यहां से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहां फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर भी 5 मेंबर से 6 मेंबर की रिंग बन गई,